आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। सड़क चलते कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। आपके पास बढ़िया गाड़ी है या साइकिल है या टू व्हीलर है, कुछ भी हो, मैं एक बात आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं मैंने बड़े बड़े बूढ़े लोगों को भी लड़ते हुए देखा है। नौजवानों की तो बात ही छोड़िए, वो तो है, किसी से लड़िए मत। मैं फिर कह जाता हूँ, गुस्सा भी आता है, मत लड़िए, क्योंकि पहली बात दो चीजें होती हैं, एक्सीडेंट जब भी होता है तो दो ही कारणों से होता है, कोई जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट नहीं करता, नहीं करता, या आप नोट करो, क्राइम की बात अलग है, बाकी नहीं करते कोई भी। एक्सीडेंट केवल दो ही कारणों से होता है, एक कारण होता है पहला माइनर लापरवाही और दूसरा कोई नशे में। लापरवाही के अंदर जैसे नींद आ रही है लेकिन नहीं रुके, थोड़ी देर आराम कर लें या झपकी पानी डाल लें, वो भी नहीं करा तो बटना चू एक पलक लगते ही गाड़ी आगे पीछे। अचानक ही क्या कहते हैं, हम रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तेज ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब अत्यधिक तेज और बड़ी एक उल्टी सीधी जैसे होता जिगजैग टाइप के बच्चे यूं करते कट मारते हैं, ऐसे करते हैं, या एकदम से मतलब किसी प्रकार से हमारी लापरवाही हमारी चूक है और वो चूक एक्सीडेंट का कारण बनती है। कई बार जरूरी नहीं कि सामने वाले से एक्सीडेंट, हम ही खुद ही पेड़ से टकरा गए, खाई में गिर गए, इधर उधर हो गए, तो वो भी लापरवाही है। दूसरा कारण, हम कोई ड्रग्स एडिक्ट या शराब कुछ भी, मतलब नारकोटिक कोई भी नशीली चीज लेके चले हैं, उससे किसी सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है या फिर खुद खुद का ही हो सकता है। लेकिन नुकसान वो कहते ना, चक्कू खरबूजा पे गिरे, खरबूजा चक्कू पे गिरे, बात है कि कटना खरबूजे को है, तो नुकसान तो होना ही होना है। लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके बच्चों से ऐसा हो सकता है, तो हमें किससे लड़ना, आखिर हम इंश्योरेंस किस लिए करवाते हैं ये तो बताइए आप। क्या हम उसको संभाल के रखने के लिए करवाते हैं? नहीं ना, तो फिर लड़ना किस लिए? ठीक है, आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है आप करिए वहां खड़े खड़े, जैसे भी करना है, जो भी कुछ करना है, लेकिन ये नहीं कि भीड़ इकट्ठा करके आप लड़ने लग गए, कुछ भी करने लग गए, क्या मतलब है? विदेशों में ऐसा नहीं होता है, आप वहां जाके तो बड़े सीधे बन जाते हो, अंग्रेजी की जो भी अंग्रेजी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे यूके, यूएसए, कुछ भी यूरोप हो, वहां पे तो सब काम होते हैं, तो यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ा लेट लती हो, जैसे भी हो, लेकिन होते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी इसीलिए तो है। तो मेरी बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए और आशा है कि आप इस बात का पूरा प्रचार भी करेंगे, आपस में ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट तो थोड़ा सी झिर्री सी भी लगती है और मारपिटाई इतनी हो जाती है कि मौत तक हो जाती है या घायल तक हो जाते हैं। और भी एक्सीडेंट भी नहीं, पार्किंग में देखिए या साइड नहीं दी किसी ने, रास्ते में गाड़ी रोक के उसके साथ लड़ाई होगी, पार्किंग के अंदर थोड़ी सी भी आगे पीछे होगी तो मुश्किल होगी, तो ये किस लिए भाई? कोई बात नहीं, तो मेरी बात ध्यान रखेंगे। नमस्कार, मंगल कामना।